गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति शुक्ला एंड वी आर हियर टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आज से हम अपने एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर ऑलरेडी डन विद द पर्सनल मैनेजमेंट वाला यूनिट। तो आज का जो हमारा यूनिट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी हमारा पेपर वन का ही पार्ट है। एंड वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल द यूनिट्स इन अ वेरी फास्ट मैनर, ताकि ये जो पेपर वन है वो जल्द से जल्द फिनिश हो जाए। और जो हमारा टॉपिक है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज़ स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ एंड द स्टाफ एजेंसीज। ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लाइन एंड स्टाफ और जितनी भी डिफरेंट स्टाफ एजेंसीज हैं उनके बारे में वी विल डिस्कस अबाउट। एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 37 इन द सीरीज ऑफ द लेक्चर्स। ओके, सो अच्छा, ये हमारी वेबसाइट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो जो भी आपको कोर्स में, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो टू टेक एनी पेड कोर्स, या फिर अगर आप फ्री मटेरियल में भी इंटरेस्टेड हैं, तो यू कैन गो टू द वेबसाइट और आप चेक करके अपना जो भी रिक्वेस्टेड मटेरियल है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो ये जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से वो काम करता है, या फिर उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बिठाया बनाया जाता है, कि किस तरीके से हम काम ढंग से कर सकें। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस है, किस तरीके से हम अपने स्टाफ को काम सौंपते हैं, कौन सा इंसान कौन सा काम करेगा, एसेट्रा एसेट्रा। जैसे इससे पहले जो हम लोगों ने एक यूनिट डिस्कस की थी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कहाँ कहाँ पे बेसिकली, तो जैसे कि हायरार्की था, यूनिटी ऑफ कमांड था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें डिस्कस की थी। ठीक है, अब ये बेसिकली बात आती है कि किस तरीके से लोगों को काम सौंपा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर स्टैंड्स फॉर द रिलेटिवली फिक्स्ड पैटर्न ऑफ द रिलेशनशिप्स अमंग द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द टोटल टास्क इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ मेजर कंपोनेंट्स, दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर है बेसिकली स्टैंड्स फॉर द रिलेटिवली फिक्स्ड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स, कि एक फिक्स्ड पैटर्न बनाया जाता है रिलेशनशिप्स का अमंग द डिफरेंट एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से कि हम एक फिक्स्ड पैटर्न, एक फिक्स्ड रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज के बीच में अमंग द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से पूरा का पूरा काम जो है हमारा वो स्मूथली हो सके। ठीक है, एंड ऑल्सो द टोटल टास्क इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ द मेजर कॉम्पोनेंट्स, और जो हमारा टोटल टास्क है, पूरा का पूरा काम है, उसको हम मेजर कॉम्पोनेंट्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल डिफरेंशिएशन। तो ये हम जिस तरीके से काम को डिवाइड करते हैं और काम को करने के लिए इन डिवाइडेड फॉर्म, जिस तरीके से कि हम अलग अलग लोगों को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं किसी भी एक काम को कंप्लीट करने के लिए, वो हमारा इंटरनल डिफरेंशिएशन कहलाता है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि अगर हमें कोई भी काम पूरा कंप्लीट करना है, तो पहले तो हम उस काम को डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, और फिर उस डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किए हुए काम को करने के लिए हम अलग अलग डिपार्टमेंट या फिर अलग अलग लोगों को हम सेटअप करेंगे, उनके बीच में एक फिक्स्ड रिलेशनशिप सेटअप करेंगे। बार बार किसी की भी पोजीशन या फिर किसी भी इंसान के काम को बदला नहीं जाएगा, बिकॉज उससे काम के करने में एक हिंड्रेंस पैदा होता है, एक रुकावट आती है। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो फिर अगर हम सेफ और सपोज हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, ठीक है, तो जो हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, ये हमारा रोज बनाता है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विलेजेस हैं, इन सारी जगहों पे जो छोटे छोटे पुल होते हैं और जो रोड्स वगैरह होते हैं, ये सारे बनाने का जो काम होता है, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का होता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट अपना बजट तैयार करता है और अपने बजट को तैयार करके एक बजट एलोकेट कर देता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को देता है कि भाई देखिए ये काम है, यहाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा होगा, ये रोड बनेगी या फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है और वो आपको करना है, इतना बजट है आपके पूरे 6 महीने का या फिर पूरे 1 साल का, और इतना इतना काम जो आएगा वो आपको करना है। ठीक है, अब उस काम को करने के लिए क्या होता है, उस पूरे डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करके रखा जाता है। ठीक है, कि जो उनका इंजीनियर्स हैं, वो इंजीनियर्स का पार्ट उनका अलग होगा, जो उनका जो असिस्टेंट इंजीनियर है, जो चीफ है उनका, वो अलग होगा। बिकॉज जो चीफ का काम होगा, उसका काम होगा सारे के सारे एम्स को डिसाइड करना, कि कौन सा काम होगा, कौन सा काम गवर्नमेंट की तरफ से आया है और हमें कितना काम करना है। ठीक है,
फिर उनके अंडर में इंजीनियर्स काम करते हैं, तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो पूरा का पूरा एक लेआउट तैयार करते हैं, फिर उसके अलावा सुपरवाइजर्स होते हैं जो काम करते हैं, फिर उसके अलावा कुछ असिस्टेंट होते हैं, क्लर्क्स होते हैं जो ऑफिस का काम देखते हैं, फाइल्स वगैरह का काम देखते हैं, और उसके अलावा पीएंस होते हैं जो ऑफिस का रखरखाव देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी फाइल को कहाँ पे ले जाना है, ठीक है। तो काफ़ी अलग अलग लोग होते हैं, काफ़ी अलग अलग लोग काम करते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर असिस्टेंट भी होते हैं जो हर एक डेटा को कंप्यूटर में लोड करते हैं और ये देखते हैं कौन सा काम होना है। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो टेंडर के थ्रू आकर के अपना काम करते हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं लेकिन वही होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन था, उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक काम को करने के लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग विंग्स में या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उस चीज़ को डिवाइड किया जाता है, जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे इस जब चीज़ को हम डिवाइड करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द इंटरनल डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर ए पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश्ड अमंग द कंपोनेंट्स ऑन अ परमानेंट बेसिस। फिर ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में और डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में किस तरीके का एक रिलेशनशिप सेटअप होगा, ये जो है अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स, ये परमानेंट बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। कि अगर आपका एक सीईओ है, ठीक है, सीईओ के अंडर में जनरल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर के नीचे आप समझ लीजिए कि कुछ जोनल मैनेजर्स हैं, जोनल मैनेजर्स के नीचे आपके एरिया मैनेजर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फिक्स्ड रिलेशनशिप, एक फिक्स्ड हायरार्की एक तरह से सेटअप कर दी जाती है, और जहाँ जहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से मदद की ज़रूरत होती है वो भी पहले से होता है कि आपको किस तरीके के एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो रिक्रूट करने का काम हमारे एचआर डिपार्टमेंट का है, ठीक है। आपकी कंपनी के फाइनेंसिस कैसे चलेंगे उसको देखने का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। अगर हम मटेरियल्स या मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो ये प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री वगैरह, ये मटेरियल्स मैनेजमेंट का काम हो गया, ठीक है। तो हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसको कम्प्लीटली डिफाइन किया जाता है कि आपका क्या टास्क है, आपको क्या करना है, ये आपकी पोजीशन है, और किस तरीके से उन सबके बीच में इंफॉर्मेशन है और कैश है, मटेरियल्स हैं, इन सब का और फाइल्स का जो फ्लो है वो आपस में बना रहे रेगुलरली अमंग द डिफरेंट आर्म्स, अमंग द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू मेक श्योर दिस, ये जो आपका डिविजन सब कुछ किया जाता है, इट इज़ डन ऑन अ परमानेंट बेसिस, ठीक है। फिर द फॉर्मल स्ट्रक्चर इमर्जेस आउट ऑफ द इंटरनल डिफरेंशिएशन एंड द रिलेटिवली फिक्स्ड रिलेशनशिप दैट आर प्लान अमंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। फिर जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है इट एक्चुअली इमर्जेस आउट ऑफ द इंटरनल डिफरेंशिएशन। जो भी हमने अपना इंटरनल डिफरेंशिएशन किया अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कौन सा काम किसको करना है, अमंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हमने एक फिक्स रिलेशनशिप सेटअप कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो इसी से निकलता है, जो हमारा इंटरनल डिफरेंशिएशन है उसी से निकलता है, और एक रिलेटिवली फिक्स्ड रिलेशनशिप होता है जो कि बहुत ही प्लान्ड होता है अमंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स के, जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबको आपस में जोड़ना और जोड़ करके एक फिक्स्ड रिलेशनशिप को सेटअप करना, उसी से हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का निकलता है, ठीक है। फिर द टोटल टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रोकन इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट्स के, जो भी पूरा टास्क है ऑर्गेनाइजेशन का उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया जाता है। पहला स्टेप तो ये होता है कि किस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले ये कि द टोटल टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट्स, और फिर उसके बाद अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट लेवल्स एंड पोजिशंस, और उसके बाद जिसके भी जो भी पोजिशन होती है या फिर जिसके ऊपर जितना भी वर्कलोड होता है उसी के प्रपोर्शन में उस इंसान को अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है अमंग द डिफरेंट लेवल्स एंड पोजीशंस, कि जिसकी भी जितनी डिफरेंट लेवल है, जो भी पर्टिकुलर लेवल है या फिर पर्टिकुलर पोजीशन है, तो उसके प्रपोर्शनेट उसको वो अथॉरिटी असाइन कर दी जाती है। फिर स्पेसिफिक टास्क आर असाइन टू डिफरेंट यूनिट्स इन स्पेस टू सॉल्व द सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉब्लम। फिर है ये कि स्पेसिफिक टास्क असाइन किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को, ताकि इस चीज़ का जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। सी व्हेन अ स्पेसिफिक टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्सन, कि अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट को चेक करने की या फिर कंपनी के फाइनेंस को ऑडिट करने की, तो ये काम कोई फाइनेंस का ही बंदा कर सकता है, ठीक है, जिसके पास प्रॉपर फाइनेंस की नॉलेज हो। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे कि जो स्पेसिफिक टास्क है वो स्पेसिफिक लोगों को ही मिले, एंड ऑल्सो जो हमारे ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व करना होता है। बिकॉज अगर सेंट्रलाइज मूवमेंट होगा तो सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो सारे के सारे जो अथॉरिटी है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, या फिर कह लें कि जो सीईओ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर अगर हमें डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है अगर, तो वो सारी की सारी अथॉरिटी सिर्फ अपने हाथ में रखता है
और किसी भी तरीके का कोई भी जो फ्लो ऑफ द कैश है, फ्लो ऑफ मनी है या फिर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन डिसीजन है, वो लोगों को नहीं देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन उस केस में हुआ जहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पावर, थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी पोजीशंस जो है वो हर एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ को देते जाएं, ताकि वो लोग अच्छे से ढंग से अपने काम को कर सकें और एक स्मूथ फंक्शनिंग हो और काम को टाइम पे कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। तो जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है बाय गिविंग दी स्पेसिफिक टास्क टू दी स्पेसिफिक पीपल, ठीक है। फिर द डिफरेंशिएटेड यूनिट्स एंड टास्क सॉट टू बी इंटरकनेक्टेड टू अचीव द कोऑर्डिनेशन एंड द इंटीग्रेशन। फिर है कि जो जितने भी डिफरेंशिएटेड यूनिट्स हैं और जितने भी अलग अलग टास्क हैं उन सबको इंटरकनेक्टेड फॉर्म में रखा जाता है ताकि वो सब आपस में कनेक्टेड रहें, आपस में जो भी इंफॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट को या फिर एक कॉम्पोनेंट को दूसरे कॉम्पोनेंट से एक्सपेक्टेड है या डिज़ायरेबल है तो वो विद इन टाइम उनको मिल जाए, ठीक है। To achieve the coordination and integration, and also to achieve the coordination integration, कि अगर कोई भी एक काम होता है तो उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो यानी कि एक अगर एक डैम को ही बनाना है, ठीक है, तो उस डैम को बनाने के लिए बहुत सारे लोग, सिर्फ इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, हमें आर्किटेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ऐसे लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी कि हम वहाँ पे अगर डैम बना रहे हैं तो उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, फिर हमें गवर्नमेंट के लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमें उसको बनाने के लिए जो मटेरियल प्रोक्योर करना है उसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो काफ़ी सारे, ऊपर से हमें ये भी देखना होगा कि किस तरीके से एफिशिएंटली हम कितने पैसे में अपना काम और कितने टाइम में अपना काम हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो इन सारे लोगों के बीच में काम को ढंग से करने के लिए ऑब्वियसली उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से जितने भी अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं डैम को बनाने के लिए वो सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। कि अगर कोई इंसान मानो डैम में कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना चाहता है, उसको लगता है कि ठीक है यहाँ पे सीज़मिक एक्टिविटी हो सकती है, तो फिर वो अपने किसी इन्वायरमेंटल असेसमेंट वाले बंदे को बुलाएगा उससे, या फिर तो पूछेगा कि भैया मुझे विद इन टाइम बता के दो कि इस प्लेस की हिस्ट्री क्या है, क्या यहाँ पे आज तक कोई भी सीज़मिक एक्टिविटी हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए इन सब का इंटरकनेक्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि काम को कोऑर्डिनेटेड वे में बहुत आसानी से बहुत ढंग से किया जा सके और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी भी पल रिक्वायर्ड है तो वो ईजिली एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो एक इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए कि उन सब के बीच में डिफरेंशिएटेड जितने भी यूनिट और टास्क हैं दे शुड बी इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो इसके हमारे चार स्टेप हो गए कि जब हम किसी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं तो हम किन किन बातों का ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो हम इन चार स्टेप के थ्रू जो है एक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम उसे बना सकते हैं। पहला तो था कि टोटल टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, कि जितना भी टास्क है ऑर्गेनाइजेशन का उसको पहले सबसे छोटे छोटे जो है स्मॉलर कंपोनेंट्स पर डिवाइड कर लिया जाएगा। दूसरा है कि अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट लेवल्स एंड पोजीशंस, कि अथॉरिटी को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा डिफरेंट लेवल्स ऑफ पोजीशंस पे, कि अलग अलग लेवल्स ऑफ पोजीशंस पे हम अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से पर्सन की किस पोजीशन के पास कितनी अथॉरिटी है। तीसरा है स्पेसिफिक टास्क असाइन टू डिफरेंट यूनिट्स इन स्पेस, कि स्पेसिफिक टास्क जो है वो स्पेसिफिक लोगों को असाइन कर दिए जाएंगे ताकि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और चौथा और लास्ट है कि डिफरेंशिएटेड यूनिट ऑफ टास्क को इंटरकनेक्टेड रखा जाएगा ताकि कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन मेंटेन रह सके, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर हैज़ वैल्यू ओनली इन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो हमारा तो एम ये होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है वही एम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। नाउ इन प्रैक्टिस द वे ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली ऑपरेट्स डस नॉट ऑलवेज फॉलो द लाइंस डिक्टेटेड बाय द फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो अब अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस, तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि जो भी हमने एक फॉर्मल स्ट्रक्चर सेटअप कर दिया है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसी फॉर्मल स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। बिकॉज इनफॉर्मली काफ़ी सारे कनेक्शंस, काफ़ी सारे इंटरकनेक्शंस, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स और लोगों के बीच में क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। हम लोगों को आपस में इंटरेक्ट करने से, बात करने से तो नहीं रोक सकते, एंड इफ दे आर टॉकिंग टू ईच अदर देन मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट देयर वर्क ऑल्सो। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, एक वेब की तरह जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑल्दो हम कितना ही एक फॉर्मली
एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्यों ना सेटअप कर दें, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली ऑलवेज पॉसिबल कि वो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है सिर्फ और सिर्फ वहीं आपका एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज जो आपके इनफॉर्मल लाइंस हैं, जो इनफॉर्मली चीज़ें हैं, वो भी फ्लो करती हैं एट द सेम टाइम. ठीक है, फिर एक्सपीरियंस शोज दैट इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स डेवलप्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर नॉट एनविसेज्ड इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट. तो यहाँ पे भी यही बात कही गई है कि एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो इनफॉर्मल एक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जिस चीज़ को दिमाग में नहीं रखा गया था एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को बनाते समय. कि जब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया जाता है कि ये चेयरमैन है, चेयरमैन के नीचे जनरल मैनेजर है, या फिर नहीं सीईओ है, फिर सीईओ के नीचे जनरल मैनेजर है, फिर उसके नीचे मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, मटेरियल्स मैनेजर है. ठीक है, तो इस तरीके का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाया जाता है. ठीक है, बट वो चार्ट जब बनता भी है तब भी उसके अंदर भी काफ़ी सारे इंटरकनेक्टेड कुछ इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कि जो जनरल मैनेजर हो सकता है उसकी मटेरियल्स मैनेजर के पर्सन से बहुत ज़्यादा बनती हो, या फिर सीईओ से बनती हो. ठीक है, तो और जो आपस में जो मैनेजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए विद इन टाइम. तो ये जो इनफॉर्मल कनेक्शंस होते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं एट द सेम टाइम, जिनको जब हम एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं वो बनाते वक्त दिमाग में नहीं रखा गया था. नो, द कंसेप्ट ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दोज एक्टिविटीज इन ऑपरेशंस अमंगस्ट द पोजीशन एंड ग्रुप्स दैट वर नॉट फॉर्मली डिजाइंड और प्लान्ड. कि जो कंसेप्ट है हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, उसका मतलब ये होता है कि वो एक्टिविटीज़ और ऑपरेशंस जो कि पोजीशन और ग्रुप्स में फॉर्मली डिज़ाइन या प्लान नहीं की गई थी. ठीक है, कि अगर कोई बंदा है जिसके पास काफ़ी अच्छी नॉलेज है कंप्यूटर्स की, ठीक है, ऑल्दो वो फाइनेंस का बंदा है, वो फाइनेंस का काम देखता है, लेकिन अगर उसके पास कंप्यूटर एफिशिएंसी है और काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और ये बात वहाँ के जनरल मैनेजर को पता है, तो राधा दन अपने किसी कंप्यूटर असिस्टेंट को बुलाने के वो काम अपने फाइनेंस मैनेजर से भी करवा सकता है, या फिर उसे कह सकता है इनफॉर्मली कि ठीक है मैं चाहता हूँ कि ये काम या फिर ये जो टास्क है ये ऑल्दो तुम्हारे लिए बेसिकली डिज़ाइन तो नहीं किया गया है, बट आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस और टू हेल्प मी इन दिस टास्क. ठीक है, तो इस तरीके से इनफॉर्मली आप जो अलग अलग पोजीशन पर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे काम कराया जा सकता है बारिंग द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो पहली बात तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया कि बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि हम किस हिसाब से अपनी पूरी की पूरी हायरार्की और पोजीशंस को डिफाइन करते हैं इनटू द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द टास्क इज परफॉर्म. ठीक है, किस तरीके का टास्क एक ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करना है उसके बेसिस पे हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि कौन सा टास्क कौन सा बंदा करेगा, कहाँ कहाँ पे किस किस पोजीशन पे कौन सा इंसान बैठेगा, और उस हिसाब से अथॉरिटी और हायरार्की को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है. ठीक है, इस स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को बनाने में हमारे जो 3-4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं या फिर जिसको माइंड में रखा जाता है हमने वो भी देख लिया. फिर बात आती है कि ऑल्दो जो हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उसके बाद भी जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेविलेंट हो जाता है इन प्रैक्टिस. ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ये हो जाता है कि ऑल्दो हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तो फॉलो कर रहे हैं ताकि एक स्मूथ ऑपरेशंस बना रहे, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी भी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव होने लगता है. ठीक है, और वो उसका मतलब ये होता है कि जो पर्टिकुलर जॉब या पोजीशन किसी इंसान के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था वो भी आपस में काम करता है, दे आर वेल इंटरकनेक्टेड. ठीक है, तो इट वॉज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी कम टू द लाइन एंड स्टाफ. कि जब हम बात करते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑपरेशंस की या फिर लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो बेसिकली उनका मतलब क्या होता है. पहली बात तो ये कि ये दोनों के दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग होते हैं. ठीक है, तो लाइन मैनेजर्स कह लें या फिर लाइन एम्प्लॉयज़ कह लें और फिर स्टाफ एम्प्लॉयज़ कह लें. ठीक है, वैसे तो स्टाफ को ही हम जनरली मेंबर्स से एम्प्लॉयज़ से ही कंसिडर करते हैं कि ये हमारा स्टाफ है, जितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं. लेकिन अगर हम इसे किसी ऑर्गेनाइजेशनल टर्म में डिफ्रेंशिएट करें तो लाइन एंड स्टाफ दो अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए टर्म यूज़ किया जाता है हमारी कंपनीज और कॉर्पोरेशंस में, और इन दोनों में डिफरेंस होता है. ठीक है, सो वी स्टार्ट विद द लाइन एंड स्टाफ. द लाइन ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इंटरप्राइज कैरीज आउट द इंटरप्राइज कोड. तो जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हम कहें कि जो एम्प्लॉयज़ लाइन में काम करते हैं, अगर हम उन्हें डिफ्रेंशिएट करें या डिफाइन करें ऐसे, चलो मैंने लाइन ऑर्गेनाइजेशन ही कहते हैं. ठीक है,
जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं विद इन इंटरप्राइज से क्या लिखा होता है, इंटरप्राइज गोल, यानी कि वो अपने इंटरप्राइज को अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। उनका बेसिक काम क्या है, उनका बेसिक काम ये है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गोल है उसको डिफाइन करेंगे और फिर उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव क्रिएशन का और ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट का जो काम है, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो काम आता है, उनको हम लाइन मैनेजर्स या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वो पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव या एम को डिसाइड करता है और उसको हासिल करने के लिए काम करता है, उसी डायरेक्शन में काम करता है, उसको हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाइन मैनेजर्स कहते हैं। ओके, बाय कंट्रास्ट द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली टू द गोल अचीवमेंट बाय हेल्पिंग द लाइन टू डू इट्स वर्क। फिर आता है कि हमारे स्टाफ मैनेजर्स या फिर स्टाफ एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या स्टाफ मैनेजर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो लोग होते हैं जो लाइन मैनेजर्स को हेल्प करते हैं उनका काम करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इनडायरेक्टली अचीव करने के लिए। ठीक है, तो लाइन मैनेजर्स बेसिकली कौन है, लाइन मैनेजर्स वो हैं हु डिसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड दे ऑल्सो अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, जो स्टाफ मैनेजर्स हैं उनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना लेकिन इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, और उनका काम बेसिकली होता है लाइन मैनेजर्स को हेल्प करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सकें। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, नाउ इन एन इरीगेशन डिपार्टमेंट, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट का। इन एन इरीगेशन डिपार्टमेंट द इंजीनियर्स डायरेक्टली इंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम बिलोंग टू द लाइन। तो अगर हम बात करते हैं कि इरीगेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी हम एक डैम क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर एक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम होता है तो उसमें जो इंजीनियर्स हैं जो उस डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो हमारे हो जाएंगे लाइन मैनेजर्स। ठीक है, फिर द इंजीनियर बाय प्रोक्योरिंग द मटेरियल एंड अदर सप्लाइज एंड कीपिंग द अकाउंट्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्टाफ। अब जो बाकी के इंजीनियर्स हैं या फिर जो दूसरे इंजीनियर्स हैं, जब वो मटेरियल प्रोक्योर करने का काम करते हैं या फिर उसकी सप्लाईज को देखते हैं या फिर दे कीप द अकाउंट्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, देन दे डू द फंक्शंस ऑफ द स्टाफ मैनेजर्स। ठीक है, तो वो लाइन मैनेजर्स का काम कब करें, जब वो डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और जब वो इनडायरेक्टली ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए उस इंसान की जो डायरेक्टली पा रहा है उसकी मदद कर रहे हैं तो वो स्टाफ मैनेजर्स कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्टली किसी भी गोल या ऑब्जेक्टिव को अटेन करता है वो हमारा लाइन मैनेजर हुआ, और जो इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में लाइन मैनेजर की मदद करता है उसे हम स्टाफ मैनेजर कहेंगे। ठीक है, तो अगर किसी डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पे भी एक डैम बिल्डअप हो रहा है, तो वो इंजीनियर्स जो इस डैम की कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ठीक है, जो वहाँ पे खड़े होकर काम देख रहे हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पे ऐसे लगेगा, इसका एंगल इतना होगा, इतनी हाइट पे होना चाहिए, हम ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑन दी अदर हैंड जो वही इंजीनियर्स, मान लो वही इंजीनियर्स मटेरियल के प्रोक्योरमेंट का, उसकी सप्लाईज का पूरा ध्यान देते हैं या फिर अपने अकाउंट्स के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, तब वो स्टाफ मैनेजर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, कि जब आप डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हो यू आर द लाइन मैनेजर, एंड व्हेन यू आर इनडायरेक्टली अचीविंग द गोल एंड हेल्पिंग द लाइन मेंबर्स तो आप बन जाओगे स्टाफ मैनेजर्स। ओके, नाउ इन क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी द लाइन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ अथॉरिटी एज इट परफॉर्म्स द मेजर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस। तो अब जब हम क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बात करते हैं, जो हम लोग सारी की सारी पढ़ चुके हैं, F.W. टेलर हुए हमारे और ये हेनरी फेयोल वगैरह, ये हमारे क्लासिकल थिंकर्स में आते हैं। तो जो हमारी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी थी, तो उसमें जो हमारे क्लासिकल थिंकर्स थे उनका ये मानना था कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है इट हैज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटी है, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो किसके पास है, वो हमारे लाइन ऑर्गेनाइजेशन के पास है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जो है मेजर ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस होते हैं वो मेजर ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो क्योंकि वो मेजर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस को परफॉर्म करें, सारे मेन जो डिसीजंस वगैरह हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से काम करना है, हमको कौन सी चीज़ कब अचीव करनी है, एसेट्रा एसेट्रा, जब हम इस तरीके के डिसीजंस लेते हैं या फिर उस डायरेक्शन में हम काम करते हैं, देन वी फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ द लाइन मैनेजर्स। ओके, तो क्योंकि वो मेन डिसीजंस लेते थे, दे वर द मेन डिसीजन टेकर्स, तो इसलिए उनके पास जो अथॉरिटी थी वो सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो जो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थिंकर हैं उनका कहना ये है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो थे उनके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती थी, दे हैड द प्राइमरी सोर्स ऑफ अथॉरिटी एज इट परफॉर्म्स द मेजर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस,
क्योंकि वो मेजर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस को परफॉर्म करते थे. ठीक है. द स्टाफ एग्जिस्ट इन अ सपोर्टिव एंड एडवाइजरी रोल आउटसाइड द डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड. ठीक है. और जो स्टाफ था आपका, वो आपका एक एडवाइजरी रोल पे आता था और हेल्प करता था लाइन की. ठीक है. तो जो लाइन मेंबर्स थे, उनकी जो हेल्प करने के लिए लोग थे, हम उन्हें स्टाफ मेंबर्स या फिर स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं. ठीक है. तो हम स्टाफ कैसे कहेंगे कि स्टाफ एग्जिस्ट करता है लेकिन सपोर्टिव और एडवाइजरी मैनर में, कि जो सपोर्टिव और एडवाइजरी मैनर में लाइन मेंबर्स के लिए काम कर रहे हैं वो हमारे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर स्टाफ मेंबर्स हैं. ठीक है. हु वर्क एक्चुअली आउटसाइड द डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड. तो जो एक डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड जो फॉलो करता है, जो फ्लो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसके वो बाहर काम करते हैं. ठीक है. क्योंकि वो सपोर्टिव, जैसे कि अगर एक सीईओ है या फिर कोई एक मैनेजर है और उसके जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, तो वो जो उसका प्राइवेट सेक्रेटरी है, जो उसका काम कर रहा है, उसके सारी वो दिन भर की जो रूटीन है उनको ध्यान में रखते हैं, उनके लिए मीटिंग्स वगैरह अरेंज करते हैं, ये सारे जो काम कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार के पर्सनल काम करते हैं. ठीक है. और वो उनके सपोर्ट के लिए हैं, उनके एडवाइस के लिए हैं. तो यहाँ पे वो जो स्टाफ, वो जो पर्सन हुआ का वर्किंग, वो हो जाएगा स्टाफ मेंबर, और वो जो पर्सन जो कि मेन डिसीजंस ले रहा है वो हो जाएगा लाइन मेंबर. ठीक है. द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रन्स वर्टिकली डाउन इन एन अनइंटरप्टेड फ्लो विद मोर स्पेशलाइज्ड स्टाफ टू हेल्प द लाइन एग्जीक्यूटिव. ठीक है. अब ये कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है हमारी, वो बेसिकली कहाँ से फ्लो करती है? वर्टिकली फ्लो करती है, ऊपर से नीचे की तरफ. ठीक है. कि जो लोग हायर पोजीशन पे बैठे हुए हैं डेफिनेटली उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, तो जो हमारी अथॉरिटी का जो फ्लो है वो वर्टिकली होता है, अपसाइड डाउन. और फिर ये देखा गया कि जिस तरीके से काम को बेहतरीन ढंग से करने के लिए ज़रूरत पड़ती है विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, विद द चेंजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इस हिसाब से हमें धीरे धीरे कैसे स्टाफ की ज़रूरत पड़ने लगी, ऐसे स्टाफ की ज़रूरत पड़ने लगी जो अपने काम को करने में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हूँ. ठीक है. तो धीरे धीरे स्पेशलाइज्ड स्टाफ की ज़रूरत पड़ने लगी इन दी ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प द लाइन एग्जीक्यूटिव. ठीक है. कि लाइन एग्जीक्यूटिव को हेल्प करने के लिए सिर्फ एक सेक्रेटरी फॉर्म का स्टाफ नहीं चाहिए, जो उनकी पूरी की पूरी डे की जो रूटीन है उसको ध्यान में रखे, या फिर उनके लिए मीटिंग्स अरेंज करें, उनके बिहाफ पे कॉल्स अटेंड करें, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी बन के ना रहे, बल्कि ऐसे भी लोग चाहिए जो अपने काम में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हों, जैसे कि कोई फाइनेंस मैनेजर हो गया, या फिर कोई कंप्यूटर इंजीनियर हो गया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, या फिर एक आपका CA जैसे कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है. तो ये सारे लोग जो होते हैं अपने काम में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं. ठीक है. दे आर ऑल्सो हेल्पिंग द लाइन मेंबर्स टू अचीव देयर गोल, एंड दे आर वर्किंग इनडायरेक्टली टू अचीव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल. ठीक है. तो वो हमारे स्टाफ मेंबर्स में आए, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हो गए और अपने उन पर्टिकुलर कामों को करने के लिए अब जिन लोगों की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज लोगों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. बट द स्टाफ डज नॉट हैव एनी स्पेशल अथॉरिटी एंड नॉट परमिटेड टू डिस्टर्ब द हायरार्की पोजीशन. लेकिन उसके बावजूद जो हमारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती है. ऑल्दो जो उनका टास्क है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होता चला जा रहा है और स्पेशलाइज लोगों को ही प्रेफर किया जाता है फॉर पर्टिकुलर पोजीशंस, लेकिन उसके बावजूद उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती है जितनी कि जो टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए उनके पास होती है. एंड दे आर स्टिल हेल्पिंग इनडायरेक्टली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल, कि वो अपनी जो भी संस्था है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गोल को अचीव करने में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं. इसलिए अभी भी वो स्टाफ मेंबर्स की तरह ही काम करेंगे. क्यों? क्योंकि वो लाइन मेंबर्स को हेल्प कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में. ठीक है. फिर अकॉर्डिंग टू उर्विक द स्टाफ इज एन एक्सटेंशन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव पर्सनल लुकिंग आफ्टर द सर्टेन एक्टिविटीज ऑन हिज बिहाफ. द स्टाफ इज दस अटैच्ड टू एन इंडिविजुअल. लाइन ऑफिसर्स इन कंट्रास्ट परफॉर्म द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फंक्शंस. कि अब उर्विक ने जो कहा था लाइन मेंबर्स के बारे में, द उर्विक का कहना था कि जो स्टाफ है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव पर्सनल लुकिंग आफ्टर द सर्टेन एक्टिविटीज ऑन हिज बिहाफ. कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड हमें ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो कि गुलिक और उर्विक थे, दे वर द क्लासिकल थिंकर्स. ठीक है. और ये अर्ली 20th century के टाइम की बातें हैं जब इन्होंने अपने ये व्यूज़ या ओपिनियंस दिए थे अबाउट द मेंबर्स. धीरे धीरे आज के 100 साल के बाद, जब इनकी थ्योरी हो चुकी है ऑलमोस्ट इतने सालों के बाद में लगभग, ठीक है, तो अब काफ़ी सारे जो फंक्शंस हैं, जो पोजीशंस हैं, जो रोल्स हैं, वो चेंज हो चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ मेंबर्स के. तो
तो इनका ये जो डेफिनेशन है वो उसी टाइम के हिसाब से है जिस हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को परसीव किया था या डिफाइन किया था, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये था कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंशन है चीफ एग्जीक्यूटिव पर्सनल के, और उनका काम होता है कुछ एक्टिविटीज़ को देखना ऑन हिज बिहाफ, कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव पर्सन है जो कि लाइन मेंबर है, क्यों? क्योंकि वो स्पेशल काम करता है, इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, तो उनके बिहाफ पे कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ को देखना जो है वो स्टाफ का काम है, ठीक है। इसीलिए जो स्टाफ है बेसिकली वो अटैच होता है एक इंडिविजुअल से, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल है जैसे कि कोई मिनिस्टर है, ठीक है, उन मिनिस्टर के अगर कोई, आजकल होता है कि हर एक मिनिस्टर के पास अपना एक सेक्रेटरी होता है जो उनके जितने भी काम है उन सबको, उन सबका ध्यान रखता है, उनकी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज कराना और उनको कहाँ कहाँ पर रैली करनी है, प्लस उनको सोशल मीडिया में कैसे दिखाना है क्या क्या, प्लस जितनी भी चीज़ें होती हैं जो उनको हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जिस तरीके से हर एक मिनिस्टर के पास अपना एक सेक्रेटरी होता है, ठीक है, तो उसी तरीके यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मिनिस्टर है उसको लाइन मैनेजर कहा जाएगा और जो उनका सेक्रेटरी है उसको स्टाफ मेंबर कहा जाएगा, ठीक है। तो वो स्टाफ मेंबर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल से अटैच है, ठीक है, और जो हमारा मिनिस्टर होगा वो इंस्टीट्यूशनलाइज काम कर रहे हैं, वो बेसिक काम कर रहे हैं हमारे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और जो उनका सेक्रेटरी है वो स्टाफ मेंबर है, क्यों? क्योंकि वो उनकी कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ को करने में उनकी हेल्प करता है, ओके। नाउ लुदर गुलिक पोस्ट को रिप्रेजेंट अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ द स्टाफ फंक्शंस, ये तो थी उर्विक की बात जो उन्होंने अपना जो भी डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। अब आती है गुलिक की बात, ठीक है। तो गुलिक ने ये कहा कि स्टाफ के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं और उन्होंने एक बहुत लंबी सी लिस्ट तैयार की स्टाफ के फंक्शंस को बताने के लिए, विच वॉज डिफाइंड थ्रू द पोस्ट कॉर्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे शॉर्ट में डिफाइन करेंगे तो उनकी लगभग तीन जो है फंक्शंस हो जाते हैं कि दीज कैन बी कंडेंस्ड एंड रिड्यूस टू ओनली प्लानिंग एग्जीक्यूटिव एंड इवैल्यूएटिंग। अगर हम स्टाफ फंक्शंस के सारे फंक्शंस को एक एक अलग अलग करके कैटेगराइज ना करें और उसको रिड्यूस करें और कंडेंस्ड फॉर्म में लें, तो तीन एक्टिविटीज़ निकल के आती हैं जो स्टाफ मेंबर्स की प्राइमरी होती हैं। पहला होता है प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूटिंग और फिर इवैल्यूएटिंग, ठीक है, कि वो प्लानिंग का काम करेंगे, फिर एग्जीक्यूटिंग का काम करेंगे, फिर बाद में इवैल्यूएशन का काम करेंगे। ये स्टाफ के बेसिक फंक्शंस हो जाते हैं। नाउ सिंस द टॉप मैनेजमेंट नीड्स द स्टाफ सपोर्ट, इट हैज़ बिकम स्पेशलाइज्ड आफ्टर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द स्टाफ यूनिट्स, ठीक है, कि अब क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है उनको स्टाफ का सपोर्ट तो चाहिए चाहिए, बिकॉज अगर आप डिसीजंस ले रहे हो या फिर आप अपने किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो, बट स्टिल उस काम को करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उस स्टेप्स को करने के लिए आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, यू नीड सो मेनी मेम्बर्स, ठीक है। तो अब जो है आपको स्टाफ मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो जॉब्स हैं, जो फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो स्टाफ है वो भी स्पेशलाइज ही प्रेफर किया जाता है, और स्पेशलाइज स्टाफ को ही इनरोल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में काम को करने के लिए, ओके। द थ्री टाइप्स ऑफ द स्टाफ कैन बी आइडेंटिफाइड, कि जो स्टाफ है उनको हम तीन कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ दोज हु कीप डिटेल्स ऑफ द डेली लिविंग, सच एज कीपिंग अ डायरी ऑफ द डिफरेंट एंगेजमेंट्स, अरेंजिंग एंड शेड्यूलिंग द मीटिंग्स, कॉलिंग पीपल एंड रिसीविंग मैसेजेस ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। तो अगर हम तीन स्टाफ्स को जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो कि डिटेल्स रखते हैं डेली के रूटीन का, अपने किसी भी जिससे भी वो अटैच है, अगर इस तरीके का अगर स्टाफ है जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से अटैच है और उनके पर्सनल कामों को देख रहा है तो वहाँ पे बात होती है। तो उसका काम होगा उनकी डेली की जो डिटेल्स है उनका ध्यान रखना, एक डायरी ऑफ इवेंट्स बनाना कि आज कौन कौन से काम करने हैं, उनकी मीटिंग्स को अरेंज करना, शेड्यूल करना, लोगों को कॉल करना और उनके बिहाफ पे उनके मैसेजेस को रिसीव करना, ठीक है। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द स्पेशलाइज्ड लुकिंग आफ्टर स्टाफ फंक्शन सच एज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, स्टोर्स, सप्लाइज एक्सेट्रा। जो दूसरी कैटेगरी के जो हमारे स्टाफ होते हैं वो काफ़ी स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं अपनी फील्ड में, और वो कुछ अलग ही स्टाफ फंक्शंस को देख रहे होते हैं, जैसे कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो गया, या फिर स्टोर्स एंड सप्लाइज हो गया, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जिन स्पेशलाइज लोगों की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे सेकेंड कैटेगरी के स्टाफ फंक्शंस में या फिर सेकेंड कैटेगरी के स्टाफ मेंबर्स में आते हैं, ओके। नो द थर्ड कैटेगरीज ऑफ द स्टाफ हु असिस्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव इन हिज पॉलिसी मेकिंग रोल बाय गैदरिंग द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। और जो तीसरी कैटेगरी का हमारा स्टाफ है वो चीफ एग्जीक्यूटिव को हेल्प करता है, उनको असिस्ट करता है पॉलिसी मेकिंग रोल में बाय गैदरिंग द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, कि जो भी पर्टिकुलर
डेटा और इन्फॉर्मेशन है जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी को बनाने के लिए या फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसी को डेवलप करने के लिए जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको कलेक्ट करने का, गैदर करने का और उसको एक सही फॉर्म में अपने चीफ एग्जीक्यूटिव तक पहुँचाने का जो काम होगा वो थर्ड कैटेगरी के स्टाफ मेम्बर्स का होगा। ठीक है, तो तीन कैटेगरीज में हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो एक पर्सन सेक्रेटरी की तरह काम करता है, दूसरा जो स्पेशलाइज्ड होता है अपने फील्ड में, और तीसरा जो पॉलिसी मेकिंग रोल में एडवाइजरी एक रोल प्ले करता है टू दी चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर टू दी टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन एंड द स्टाफ। ठीक है, नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ इज नॉट जनरली हैप्पी। अगर हम बात करते हैं कि जो जनरल रिलेशनशिप है लाइन मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स के बीच में वो कैसा है, तो ऐसा देखा गया है कि जो जनरल रिलेशनशिप है उनके बीच में इट इज़ नॉट ऑलवेज वेरी कॉर्जल, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रिलेशनशिप नहीं है उनके बीच में। सो क्यों नहीं है? बिकॉज द लाइन पीपल दे क्रिटिसाइज द स्टाफ यूनिट फॉर सर्पिंग द पावर एंड फॉर अनरियलिस्टिक प्लान्स और द आइडियाज। तो जो लाइन मैनेजर्स हैं, जो लाइन पीपल हैं, वो स्टाफ मेंबर्स को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि कई बार पे दे ट्राई टू असर्प देयर पावर। ठीक है, कि जो जैसे कि अगर सेक्रेटरी है, कोई मिनिस्टर है, मिनिस्टर का अगर सेक्रेटरी है, तो वो धीरे धीरे जो है, क्योंकि वो काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ है मिनिस्टर की वो उनके बिहाफ पे करता है, तो धीरे धीरे ही ट्राई टू असर्प अ लॉट ऑफ पावर। तो ये एक कंप्लेन होती है लाइन मैनेजर्स की स्टाफ मैनेजर्स के लिए कि वो ना चाहते हुए भी बहुत सारा जो उनका पावर है उस पावर को हड़पने की या फिर पावर को लेने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर वो एडवाइजरी रोल पे हैं तो कभी कभी ऐसे अनरियलिस्टिक प्लान्स और आइडियाज़ देते हैं जो कि वर्केबल नहीं होते हैं। तो ये एक क्रिटिसिज्म है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लाइन मैनेजर्स टुवर्ड्स द स्टाफ मैनेजर्स। ठीक है, नाउ सम ऑफ द कंप्लेंट आर कॉमन इन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ विच लेट डिलेड डिसीजंस आर टेकन एंड टेंशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज बिटवीन देम। ठीक है, कुछ जो कंप्लेंट्स हैं वो काफ़ी वैलिड भी होती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, चाहे स्टाफ मेंबर्स कंप्लेन करें लाइन मैनेजर्स के लिए या फिर लाइन मैनेजर्स कंप्लेन करें स्टाफ मैनेजर्स के लिए, तो स्टाफ मैनेजर का कहना ये होता है कि जो एडवाइस वो उनको दे रहे हैं या फिर वो अगर एक स्पेशलाइज तरीके से काम कर रहे हैं तो मे बी दे हैव अ बेटर नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, कि जितना भी नो हाउ है, एक टेक्निकल नो हाउ है चीज़ों का, या फिर वो एक बेटर अगर एक सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। और जब वो इस तरीके की एडवाइस देते हैं लाइन मैनेजर्स को और वो उसे सही प्रेफर नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से कई बार काम को होने में डिले हो जाता है या फिर काम को ढंग से होने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि अगर लाइन और स्टाफ मेंबर्स के बीच में एक कॉन्जुअल रिलेशनशिप या फिर एक समझदारी वाला बैलेंस वाला रिलेशनशिप अगर नहीं रहता है तो उसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को काफ़ी बार नुकसान सहना पड़ता है बिकॉज डिसीजंस डिलेड हो जाते हैं, काम डिले हो जाते हैं, चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जिसके हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्ट्स आते हैं, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे योजनाएं आती हैं, लेकिन हर योजना बहुत ही सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं के जो उनका इम्प्लीमेंटेशन है, उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इतनी अच्छी नहीं होती। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हम ये भी सोच सकते हैं कि एक लाइन ऑफ स्टाफ मैनेजर्स के बीच में जो है एक हार्मनी क्रिएट नहीं हो पाती है, दे डू नॉट कम टू अ कंसेंसस टू इम्प्लीमेंट एनीथिंग। ठीक है, दोनों के आइडियाज़ जो है वो एक पॉइंट पर आकर के नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो लाइन ऑफ स्टाफ मेंबर्स हैं उनके बीच में एक ढंग का एक बैलेंस रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसके लिए क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क ही क्यों ना रख दिया जाए कि जिसका जो काम है वो इंसान वही काम करेगा, उसके ऊपर उसको काम नहीं करना है। एक प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन होगा, डिवीजन ऑफ वर्क होगा, डिवीजन ऑफ पोजिशन होगी, जिसके थ्रू हर इंसान को अपना एक पोजिशन और अपना काम पता होगा एंड हैंस नो कन्फ्यूजन कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, तो लाइन ऑफ स्टाफ के बारे में आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टाफ एजेंसीज की अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टाफ एजेंसीज की, तो उसमें कौन कौन आ सकते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा जनरल स्टाफ। ठीक है, तो जनरल स्टाफ में हमारा कौन होता है? तो जनरल स्टाफ में हमारे वो लोग होते हैं जो कि जनरल काम करते हैं, दे कैरी आउट टू द कमांड फंक्शन, की जो भी उनका पर्सन है जिससे वो रिलेटेड हैं, जो भी लाइन मैनेजर हैं जिससे भी वो रिलेटेड हैं, उसका जो वो काम करते हैं उसके काम को वो फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, देन दे आर कॉल्ड द जनरल स्टाफ। ठीक है, तो जनरल स्टाफ का मतलब ये है कि वो जनरल काम करता है। ठीक है, और जनरल काम किसका करेगा? उस इंडिविजुअल से जिससे वो अटैच्ड है, यानी कि जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं उनका एग्जाम्पल यही हो जाएगा कि अगर किसी मिनिस्टर का कोई सेक्रेटरी वगैरह है या फिर किसी टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट का कोई सेक्रेटरी वगैरह है, उनके जो वो जनरल काम कर रहा है तो वो जनरल स्टाफ कहलाएगा। ठीक है, दूसरा आ जाता है टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ को हम स्पेसिफिक स्टाफ भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें आपके इंजीनियर्स आते हैं, सप्लाई कॉप्स आते हैं, ये सब लोग आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है
अपना एक बेसिक जो स्पेशल काम है, जो टेक्निकल काम है, उसको करने के काम आता है, कि जो टेक्निकलिटी जो रिक्वायर्ड है वो इनके पास होती है और अपने टेक्निकल काम को करने के लिए होते हैं और असिस्टेंट की तरह काम करते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए. ठीक है, सो दे आर बेसिकली दे एक्ट एज एन असिस्टेंट फॉर द कोऑर्डिनेशन. दे आर वेल टेक्निकल पीपल, दे आर उनको काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होती है और ये वो टेक्निकल स्टाफ की तरह काम करते हैं. उनका काम जनरल स्टाफ की तरह नॉर्मल जनरल काम करना नहीं होता है, वो टेक्निकलिटी में स्पेशलाइज होते हैं और टेक्निकल काम करते हैं. ठीक है, फिर आता है ऑक्सिलरी स्टाफ. तो जो ऑक्सिलरी स्टाफ होता है उसका बेसिकली एडवाइजरी फंक्शन होता है, जिस तरह कि हमने अभी भी जो स्टाफ में तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था उसमें होता है, उसी तरीके से भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाफ एजेंसीज में इसका भी आता है. ठीक है, कि पहला वाला जनरल स्टाफ में आ गया, दूसरा हमारा टेक्निकल स्टाफ में आ गया, इसमें हमारे इंजीनियर्स वगैरह आ जाते हैं, तीसरा हमारा आता है ऑक्सिलरी स्टाफ, इसमें हमारे जो एडवाइजरी रोल पे हैं उस पर काम करते हैं जो लोग, वो हमारे स्टाफ मेंबर्स हो जाते हैं. ठीक है, कि स्पेशल स्टाफ फंक्शन भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी सर्विसेज करते हैं जो बाकी के स्टाफ मेंबर्स नहीं करते हैं, जैसे कि प्लानिंग हो गया, बजटिंग हो गया, या फिर पर्सनल एक्टिविटीज़ हो गया. तो जो प्लानिंग, बजटिंग, पर्सनल एक्टिविटीज़ या फिर एडवाइजरी रोल का जो काम करते हैं वो हमारे ऑक्सिलरी स्टाफ मेंबर्स कहलाते हैं, वो हमारी ऑक्सिलरी स्टाफ में आते हैं. ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाफ एजेंसीज में आ गई. पहला जनरल स्टाफ होता है, दूसरा टेक्निकल स्टाफ होता है और तीसरा हमारा ऑक्सिलरी स्टाफ होता है. ठीक है, और इसके साथ ही हमारा ये वाला जो टॉपिक है, ये लेक्चर है, ये फिनिश हुआ.